एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कराने लगी हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को करना स्टार्ट करते हैं। सो विच इज ग्रेटर, इट मीन स्टूडेंट ये हमें सम्स दे रखे हैं फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग। सो इसमें हमें बताना है कि इसमें से ग्रेटर कौन सा है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल 2/7 और 3/4 और 3/5 और 5/8 मीन्स इस फ्रैक्शन में से और इस फ्रैक्शन दोनों के बीच में हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सो इसको जिस तरह से ये पार्ट है 2/7 ऑफ 3/4। सो ऑफ का मीन जिस तरह से आपको पता है मल्टीप्लाई होता है। सो 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3/4, राइट। सो 2 3 6, 7 4 20, राइट। सो इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, इट मीन इसको हम कट कर सकते हैं। 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8, सो 3/40, राइट। सिमिलर अब ये पार्ट लेते हैं 3/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 5/8, 3 5 15, 5 8 14। सो इसको भी लोवेस्ट फॉर्म में कर देते हैं जिस तरह से 5 3 15, 5 8 14, सो 3/8, राइट। सो 3/14 एंड 3/8, बट हम इसको इस तरह से भी नहीं बता सकते कि कौन सा ग्रेटर है, राइट। जिस तरह से स्टूडेंट इसका डिनोमिनेटर 14 है और इसका डिनोमिनेटर 8 है, मीन्स दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। सो हमें पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, इट मीन्स लाइक फ्रैक्शन बनाना होगा, राइट। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिस तरह से उसमें डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट। सो पहले हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 14 और 8 का हमने क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 14 एंड 8। सो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे साइड में, 2 7 14, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2 and 7 1 7, so 2 2 4, 4 2 8, 8 7 56, right। So 14 और 8 का LCM क्या आया, 56, right। So student जिस तरह से 3/14 है, first उसका क्या है 3/14, right। So student 14 के टेबल में means कौन से नंबर में 56 आता है, means 14 के टेबल में 56 किस में आता है, for example 4 में, 14 4 56 होता है। सो ड्यूमिनेटर को भी हम 4 से ही करेंगे, 3 4 12 एंड 14 4 56। ओके स्टूडेंट, सिमिलर 3/8, सो 8 के टेबल में 56 कितने में आता है, 7 में आता है। सो ड्यूमिनेटर को भी 7 से करेंगे, 3 7 21 एंड 8 7 56, राइट। सो इन दोनों के न्यूमिनेटर से अलग अलग हो गए हैं, और सॉरी सेम हो गए हैं, एंड 21/56। सो हम इसको इजीली बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है, सो ऑब्वियस है 12/56 या 21/56। सो ऑब्वियस है 21/56 क्या है, ग्रेटर है। इट मीन्स जो हमारा 3/4 और 5/8 ये क्या है, विच इज ग्रेटर। देयरफॉर 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर, राइट। इट मीन इन दोनों में से ये वाला जो फ्रैक्शन है ये क्या है, ग्रेटर है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट को करना स्टार्ट करते हैं। सो सिमिलर स्टूडेंट्स का सेकंड पार्ट भी इसी तरह से करेंगे। सो इन दोनों में हमें बता रहा है कौन सा ग्रेटर है। सो फर्स्ट इज 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। पहले हम ये वाला पार्ट लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6/7, 6 1 6, 2 7 14। सो इसको लोवेस्ट फॉर्म में ले लेते हैं, 2 3 6, 2 7 14, सो 3/7। सिमिलर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/7, 2 3 6, 3 7 21। सो इसको लोवेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, इस तरह से 3 के टेबल में 6 भी आता है, 21 भी आता है, सो 3 2 6, 3 7 21, सो 2/7। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट जिस तरह से इसमें तो हमें इजिली पता लग रहा है कि हमें इसको मीन्स लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वाई, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर भी 7 है और इसका डिनोमिनेटर भी हमारा 7 है। सो 3/7 एंड
टू बाय सेवन। तो हम इसमें इजीली बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर है, मीन्स थ्री बाय सेवन क्या है ग्रेटर है, विच इज वन बाय टू ऑफ सिक्स बाय सेवन इज ग्रेटर। ओके स्टूडेंट, सो होप सो स्टूडेंट आपको मेरे द्वारा बताया गया ये सोल्यूशन समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।